आपके लाइफ का तो गोल और एम होना ही नहीं चाहिए आईटी जेई में पढ़ना। रहा सर, जेई मेंस या जेई एडवांस क्रैक करना बहुत कठिन नहीं होता, और आपको पता है कि उन्होंने क्या किया। बस एक चीज कराया जा सकता है, आपके अंदर ललक हो सर, वो ललक अगर पैदा आपने खुद भी करनी है। और मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा सर, जेई मेंस या जेई एडवांस क्रैक करना बहुत कठिन नहीं होता, चांद से लोग आके नहीं क्रैक करते हैं, आप ही के बीच दो चार बच्चे होंगे, आपके स्कूल के ही दो चार बच्चे होंगे, आपके शहर के, आप जिस ट्यूशन में पढ़ते थे, जिस कोचिंग में पहले पढ़ते थे, वहीं के दो चार बच्चे होंगे जो रैंक भी लाएंगे, जिनको लोग माला भी पहनाएंगे, है ना, खूब सारे फूल, ये वो गिफ्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेपर में फोटो आना, पूरे परिवार के साथ फोटो आना, उनके साथ ये सब चीज़ें होंगी। और आपको पता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस रेगुलर एफर्ट करना शुरू किया सर। रेगुलर एफर्ट करना क्यों कठिन है, रेगुलरली कोई काम करना क्यों कठिन है, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो कुछ मत करो। आप देख रहे हो ये पेन, आपके पास भी ऐसा कोई पेन होगा, मान लो मार्कर नहीं होगा इस पे लिखने वाला, पर पेन होगा ना, आप कुछ मत करो सर, हाथ ऐसे करो और इसको पकड़ के रखो। मैं अगर बोलूँ ना इसको आधा घंटा पकड़ के रखो, तो आप बोलोगे अरे सर इसका कोई वेट ही नहीं है। मैं बोलूँ इसको दो दिन तक कैसे रखो, वेट इसका दो दिन के बाद भी उतना होगा सर, पर यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट लाइक दिस। पता है क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत कठिन चीज़ है सर, एंड इट कम्स ओनली बाई प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। तुम खुद को कंसिस्टेंट रखने की प्रैक्टिस करोगे तभी तुम रेगुलर पढ़ पाओगे सर। रेगुलर पढ़ना आसान काम नहीं है सर, मैं तो आपको इतना बताता हूँ। रोज एक टाइम पे तुम खेलने भी चले जाओ ना, वो भी आसान काम नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत कठिन चीज होती है सर, आप समझ लो। मैं आपको बात बताता हूँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, जिसको आप बहुत बड़ी कंपनियां मानते होंगे, जैसे लोगों का ड्रीम होता है कि अरे गूगल में जाना है, गूगल USA में जाना है, एप्पल में जाना, वहां पे लोग सेमिनार लेते हैं इस चीज की, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, स्पीकर बुलाए जाते हैं, वो बस यही सिखाते हैं कि कैसे कंसिस्टेंट होना है। और कैसे कंसिस्टेंट होना है ये आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती सर। मैंने अपने लाइफ में जो भी सीखा मैं यही बताता हूँ, कैसे कंसिस्टेंट होना ये दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। बस एक चीज कराया जा सकता है, आपके अंदर ललक हो सर, वो ललक अगर पैदा आपने खुद भी करनी है, हमारा भी काम है, अगर आपने वो अचीव कर लिया तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो। और जिस दिन लाइफ में कंसिस्टेंसी आ गई ना सर, ना तो जेई एडवांस कुछ है, ना मतलब ये सब कुछ है ही नहीं सर। जीवन में बहुत छोटी चीज़ें हैं, जेई एडवांस या MIT चला गया पढ़ने या ये कर दिया, वो बहुत छोटी चीज़ है सर। आपके लाइफ का तो गोल और एम होना ही नहीं चाहिए ITJEE में पढ़ना। अरे ITJEE तो बहुत छोटी चीज़ है सर हमारे लिए, लेकिन ये चीज़ आपको अपने अंदर से समझनी होगी, ये चीज़ अपने अंदर माननी पड़ेगी, यू हैव टू ट्रस्ट इट फॉर दैट। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कभी, अगर मिलना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आई होप कि आपको मजा आया और आप बहुत अच्छा करें अपने लाइफ में, दैट इज वॉट SM सर वॉन्ट्स फ्रॉम ऑल यू। बाय बाय, टेक केयर। हर टीचर देखो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहता है, ये सभी टीचर्स का अपना अपना पर्सनल ये होता है, बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव सभी टीचर्स का होता है। तो